गाय इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कंप्लीट कोएक्सेल केबल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कोएक्सेल केबल क्या है एंड क्वक्सेल केबल का आर्किटेक्चर क्या होता है कितने टाइप्स की होती है कितने तरीके के कनेक्टर्स इसमें यूज करते हैं और कोक्सेल केबल एक नेटवर्किंग के अंदर आ, क्या रोल प्ले करता है इन सारी चीजों पर हम फोकस करने वाले हैं सो गाय वीडियो को अंत तक देखिएगा एज अ नेटवर्क मास्टर बनना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग आपके लिए है और कंप्लीट नेटवर्किंग मास्टर बन सकते हैं आप इस प्ले को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए आपको पूरे डेप्थ में नॉलेज मिलेगी और आप पूरा का पूरा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे सो so गाइज यहाँ पे बात करता हूं मैं कोएक्सियल केबल की सो गाइज इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन करके मेरे से बात कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारा अपडेट मैं सबसे पहले वहां पर प्रोवाइड करता हूँ सो so आप जरूर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर ले इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहां पर इन्फोटेक्स नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए आपसे और दोस्तों को शेयर करके मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं तो चलिए गाइज यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज क्वेक्शियल केबल सो गाइज क्वेक्शियल केबल का ये एक्चुअली uh, ये मीडिया का तीसरा पार्ट है इससे पहले मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल और उस uh,

ट्यूबलर इंसुलेटिंग लेयर एक ट्यूबलर इंसुलेटिंग लेयर से ये चारों तरफ से घिरी होती है एंड सराउंडेड बाय ट्यूबलर कंडक्टिंग सील्ड और उसके बाद भी वो ट्यूबलर कंटक्टिंग से क्या होती है घिरी होती है, है. है हाईवी ट्रांसमिशन एंड बैंड बैकबोन केबलिंग के लिए इसका ज्यादातर यूज होता है मेनी क्वेक्सियल केबल्स ऑल्सो है बैन इंसुलेटिंग आउटर स्टीत सॉरी सीत और जैकेट बाहर से भी उसपे कुछ क्या होता है सीत या जैकेट लगा होता है और इंसुलेटिंग का, का काम करता है वो इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होने देता डेटा प्रोटेक्शन के लिए प्लस बाहर से केबल केबल की प्रोटेक्शन प्लस सिक्योरिटी और बोल सकते हुए कि केबल को ज्यादा से ज़्यादा दिन तक वो रख सकती है चाहे वो जमीन के अंदर रख रख दो दो या कहीं पे भी आप रख दो, तो इसका काफी रोल होता है को एक्सेल केबल कुछ इस तरीके से दिखती है आप देख सकते हो इसमें बता रहा है कि ये हमारी केबल है और इसके बाद एक लेयर है उसके बाद एक लेयर उसके बाद एक लेयर है उसके, उसके बाद एक लेयर है ये सब हमारी लेयर क्या होती हैं प्रोटेक्शन के लिए यूज करी जाती हैं

फिड लाइन्स कनेक्टिंग रेडियो ट्रांसमीटर्स रेडियो ट्रांसमीटर्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है एंड रिसीवर्स और रिसीवर्स के लिए टू देर एंटीनास, कंप्यूटर एंड नेटवर्क इनके uh, मतलब इनका इनका जो यूज़ है वो uh, एक एंटीनास के लिए मतलब एंटीना जो हमारी केबलिंग सिस्टम के लिए होती है वो मतलब एक तरीके का फ्रिक्वेंसी को मेंटेन कर सकते हैं हम इसके थ्रू बेटर तरीके से और रेडियो ट्रांसमीटर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं रिसीवर्स के लिए यूज करते हैं इसके एंटीना को कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह के लिए भी यूज करते हैं एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इथरनेट कनेक्टर्स जो भी होता है डिजिटल ऑडियो एंड डिस्ट्रीब्यूसंस ऑफ केबल टेलीविजन सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है और आगे बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेक्शियल केबल की सो यहाँ पे क्वेक्शियल केबल जो हार्ड लाइन क्वेक्शियल केबल होती है आर जी सिक्स क्वेक्शियल केबल होती है आर जी एट आर जी फिफ्टी सिक्स आर जी फिफ्टी सिक्स का फिफ्टी एट भी होता है तो ऐसे बहुत सारी केबल्स आर जी के कनेक्टर्स में आ जाती हैं सेमी रिगिड को एक्सीयल केबल आ जाती है या राइगिड जो भी आप बोल सकते हो या रिग्ड बोल सकते हो तो यहाँ पे सेमी आर आई जी आई डी मतलब रिगिड को एक्सीयल केबल आ जाती है एंड ट्राई एक्सीयल केबल आ जाती है फिर यहाँ पे ट्विन एक्सेल एक्सीएल केबल आ जाती है मतलब पांच तरीके की यहाँ पे केबल हमें मिल जाती है आगे बात करें हार्डलाइन केबल्स के बारे में तो हार्डलाइन केबल्स आर ऑफ यूज फॉर हाई सिग्नल स्ट्रेंथ जहाँ पर हाई सिग्नल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है ऐसे अपलिकेशन प्लेटफॉर्म पर इसका यूज़ करते हैं एज विथ रेडियो ट्रांसमीटर्स और अदर डिवाइसेस रेडियो ट्रांसमीटर्स वगैरह के लिए अदर डिवाइसेस के लिए हार्ड लाइन केबल टिपिकली मेजर्स अपर मोर देन वन वन एंड हाफ मतलब कि वन ऑबलिक टू इंच थी मतलब कि इतना ये क्या होती है थीक होती है इसका अगर मेजर करते हैं हम लोग तो फॉर हैवी ड्यूटी सिग्नल ट्रांसमिशन हैवी ट्रांसमिशन के लिए अ वैरायटी ऑफ पॉपुलर ब्रांड आर अवेलेबल ये बहुत ही एक हैवी ब्रांड है मतलब कि एक हैवी केबल है जो हैवी uh, ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है इसलिए इसका हार्ड लाइन केबल भी बोल सकते हैं हम लोग इसमें इंटरफेरेंस और बाहर के जो इलेक्ट्रे इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेज होती है या किसी भी तरीके की फ्रिक्वेंसी होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इवन देन अगर बगल में ट्रांसफार्मर लगा है और उसके बगल से भी आप लेकर चले जाओ तो भी इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और अगर फाइबर ऑप्टिक केबल का भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं नॉलेज देना चाहूँगा कि उस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो ये सारी चीजें होती हैं ईच ऑफ दीज प्रोड्यूस मेनी स्पेसलाइज टाइप्स विथ वेरिंग प्रॉपर्टीज एंड कैपेसिटीज तो इन सारी चीजों के लिए होता है मतलब काफी हैवी एंड बहुत ही बेस्ट केबल है हार्डलाइन कनेक्टिविटी के लिए आगे बात करें आर जी सिक्स को केबल जो होती है आर जी सिक्स इज लाइक द मोस्ट फैमिलियर कोएक्सियल केबल ऑन दिस लिस्ट काफ़ी पॉपुलर केबल है टीवी वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है आर जी स्टैंड फॉर रेडियो गाइड होता है एंड रेफरेंसेस देयर कैपेसिटी ऑफ द केबल मतलब कि मैक्सिमम जो आर जी सिक्स आर जी फिफ्टी एट आर जी फिफ्टी सिक्स ये जो केबल्स होती हैं आर जी एट ये सब रेडियो सॉरी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम तो करती ही है, करती हैं मतलब बोल सकते हो आप प्लस साथ में ये टी वी मीडिया के लिए ज्यादा यूज कर टी वी चैनल्स वगैरह को जो आते हैं उन सारी चीज़ों पर जो आप देखते हो आपके घरों में जो टी वी लगा है सेटअप

कम्युनिकेशन uh, यहाँ पे मिल जाता है हम लोगों को आर जी रेटिंग डज नॉट ऑफ इन एक्ूरेटली इंडिकेट जो आर जी रेटिंग होती है वो डज नॉट ऑफ इन मतलब अक्सर कभी कभी क्या होता है कि एक्यूरेटली वो इंडिकेट नहीं होती ओवरऑल क्वालिटी को लेकर जो यहाँ पे केबल का मटेरियल होता है जो भी उसके थ्रू बना होता है वहाँ पे थोड़ी सी उसकी क्वालिटी इन चीज़ों में चेंजेस होते हैं मतलब है यहाँ पे कहने का सिंपल यही है कि ये जो क्वेक्सील आर जी सिक्स क्वैक्सियल केबल है या जो मीडिया है ये हमारा जो टीवी वगैरह पे सेटअप बॉक्स वगैरह पे यूज किया जाता है उनके लिए यानी कि एक तरीके का ब्रॉडकास्ट जहाँ पे भी होता हो उसके लिए ये काफ़ी तर यूज़ करी जाती है या रेडियो स्टेशंस वगैरह पे ज़्यादा इसका यूज़ होता है सिंस आर जी सिक्स इज़ यूज़ फॉर हाई डेफिनेशन सिग्नल्स हाई डेफिनेशंस के सिग्नल को एग्जीक्यूट करता है क्योंकि हम लोग टी वी पर जब भी चैनल्स देखते हैं तो लैग नहीं करता काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर फिल्म या चीज़ों को दिखाया जाता है तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो आर जी सिक्स के आर जी फिफ आर जी फाइव केबल्स विद आर जी सिक्स इन क्लाइंट होम्स वगैरह घर वगैरह पे लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं टीवी चैनल्स वगैरह के लिए तो ये सब हो जाता है तो एक्चुअली यहाँ पे घर के जो कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट सिस्टम जो टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं उनके लिए लगाया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर आगे अगर बात करें सेमी आर आई जी आई डी रेगेट क्वेक्शियल होती है दिस टाइप ऑफ क्वेक्शियल केबल हैज अ हार्डर सेल्डिंग मेटल एंड इज देआर फोर लेस फ्लैक्सिबल ये कम फ्लैक्सीबल प्लस uh, जो भी होता है हार्डर uh, इसका जो सेल्डिंग होता है काफी हार्ड होता है और जो भी मेटल लगा होता है काफ़ी हार्ड सेल्डिंग मेटल होता है इसके थ्रू उसका जो कन, जो मतलब मजबूती है यानी कि उसकी जो प्रोटेक्शन है काफ़ी हैवी हो जाता है और सही रहता है इट मे भी यूजफुल इन सिचुएशन वेयर केबल डू नॉट हैव टू कर्व अराउंड ऑप्टिकल्स मतलब यहाँ पे ऑप्शिकल्स कह रहा है यहाँ पे कि ये इतना हार्ड केबल का बना मतलब इतना हार्ड मेटल लगा होता है इसमें सिल्डिंग होती है जिसको आसानी से हम मोड़ नहीं सकते इसको स्ट्रेट जहाँ पे भी यूज करना होता है वहाँ पे इसका यूज करते हैं ट्राई एक्शियल केबल की बात कर जाए तो ट्राई दिस एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ केबल हैज एन एडिशनल लेयर ऑफ सील टू डिस्करेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पे एक ऐसी केबल है जिसमें कुछ एडिशनल लेयर्स लगी होती हैं जिनके थ्रू जो हमारा जो इंटरनल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं जब फ्लो होते हैं उस केबल के थ्रू तो बाहर से वो ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है मतलब ये जो भी एडिशनल लेयर्स लगी होती हैं और इंटरफेरेंस वगैरह वहाँ पे बहुत ही कम हो जाता है इट कैन बी हेल्पफुल इन कंडीशन वेयर द केबल मे बी वलरबल टू हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो केबल है वहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल होती है उस कंडीशन में ज़्यादा यूज करी जाती है जहाँ पर भी वलरबिलिटी हाई लेवल की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को लेकर तो यहाँ पर होता है सो ट्वीन एक्सीएल केबल जो होती है दिस पेयर्ड केबल रिप्रजेंट्स अन अदर अल्टरनेटिव टू कन्वेंशियल को एक्सीएल केबल्स फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंस्टॉलेसन टाइप्स तो ये भी हमारे एक तरीके की क्वेक्शियल केबल होती है जो एक अल्टरनेटिव कन्वेंशियल कोएक्सियल केबल का काम करती है सो काफी बेटर होती है इट मीन यहाँ पे जो आपने ट्विस्टेड समझा था और जो आपने अभी इन पांच केबल के बारे में समझा यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल के अलावा आपने जो ये पांच क्वेक्शियल केबल के टाइप पढ़ा इसमें आपको यही मिला कि ये फाइव जो किशियल केबल है थोड़ा सा आगे चलते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेक्शियल केबल आपने इसमें क्या समझा कि जो भी हमारा इसका प्रोटेक्शन है काफी हैवी हो जाता है क्योंकि एक दो तीन तीन लेयर का अप्रॉक्स में इसमें प्रोडक्शन है प्लास्टिक जैकेट इलेक्ट्रिक जैकेट एंड मेटैलिक जैकेट एंड यहाँ पे सेंटर कोर मतलब ये हमारा वायर होता है सो इस तरीके से अब सोचो कि ये हमारा वायर है और इसके ऊपर इतने सारे प्रोडक्शंस लगे हुए हैं तो बाहर से कैसे कोई भी सिग्नल या कोई भी वेब इसके इफे इसके सिग्नल्स के अंदर जो इसके अंदर, अंदर सिग्नल फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फ्लो हो रहा है उस पर इफेक्ट डाल सकता है कभी नहीं कभी कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता इस पर सो so, काफ़ी ये सारी चीज़ें होती मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत मिनिमम इंटरफेरेंस यहाँ पे आ जाता है और गाइज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिनेरियो या थियरी ये कहता है कि बहुत मिनिमम इफेक्ट आता है लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इस पर बहुत ही आसानी से सिग्नल या बाहर का इंटरफेरेंस हो सकता है गाइज अगर अभी बात हुई क्वेक्शियल केबल की तो क्वैक्शियल केबल यहाँ पे बात हुई कि टीवी वगैरह पे यूज किया जाता है टीवी वगैरह पे इसका काफ़ी यूज होता है तो यहाँ पे बात क्या होती है अगर टीवी वगैरह यूज होता है तो क्या जहां पे टी वी चल रही है वहां पे एक मोबाइल रख दो और दूसरे मोबाइल से उस पर कॉल करो तो क्या वहां इंटरफेरेंस नहीं मिलता हमें कि टीवी टीवी पर मैक्सिमम क्या होती है एक लेयर लहर बनने लगती है मतलब वेब बन बनने लगती है तो क्या इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है वहां पे तो इस तरीके का होता है अब यहाँ पे आप बात करेंगे बहुत सारे लोगों का ऐसा दिमाग में सवाल आता है कि जो टीवी होती है उस पे वेब बनने लगती है तो जो हमारी केबल आई हुई है सेटअप बॉक्स के थ्रू और यहाँ पे कनेक्शन है तो क्या वो बाहर का सिग्नल उस पर इफेक्ट कर रहा है बिल्कुल भी नहीं कभी भी इंटरफेरेंस ऐसे नहीं समझा जा, जा सकता ये एक उलझाऊ सवाल है बहुत बार मेरे पढ़ाते समय या मैं जब ट्रेनिंग देता हूं बच्चों को तो वहां पे लोगों का सवाल आ जाता है कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर लेकिन ये जो केबल आप बता रहे टी वी पर लगी हुई रहती है टीवी या जो भी हमारे सेट ऑफ बॉक्स होते हैं तो टीवी जो मीडिया होती है उसमें ये है टीवी जो डिवाइस है उसमें जब भी एक उसके पास पास में कोई मोबाइल रख के उस पर कॉल करो तो वो इंटरफेरेंस हो जाता है तो वहाँ पर एक करना पड़ता है कि वो ऐसे नहीं होता वो हमारे आ, केबल के ऊपर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वहाँ पे क्या होता है कि टीवी टीवी जो भी लगी होती है अगर वो बड़ी वाली टीवी अभी की जो टीवी आती है स्मार्ट टीवी है जो भी है उसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पड़ता लेकिन वो केबल पे इफेक्ट नहीं पड़ता सिंपल समझो सेट ऑफ बॉक्स यहाँ पे है ये केबल है राइट सो मोबाइल आपका यहाँ है और यहाँ पे टीवी रखा हुआ है आपने कॉल किया इस पे तो ये यह यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं डालता ये टीवी टीवी जो रखी होती है उसमें जो पिक्चर ट्यूब लगा होता है यानी कि जो पीटी लगा होता है पिक्चर ट्यूब उसमें उसपे क्या होता है कि उसके अंदर एयर या कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें भरी होती हैं मतलब पता नहीं कौन कौन सी गैस डाली जाती है जिस पे क्या होता है कि जब कोई भी वेव यहाँ बगल से बहुत हैवी आती है तो वो उसके अंदर के जो वेव होती हैं जो मतलब एयर होती है वो इधर उधर फ्लक्चुएट करती है मतलब इधर उधर वो वेव बनाने लगती है इधर उधर जाने लगती है तो यानी कि समझ लो कि ये टी का अगला पॉइंट है और इसके पीछे पिक्चर ट्यूब ऐसे कुछ लगा होता है समझिएगा ध्यान से क्योंकि ये बहुत सवाल आता है और और आप जब पे 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 फोन पे कॉल आती है तो यहाँ पे टीवी के स्क्रीन पे वेब बनने लगती है तो ये जो पिक्चर ट्यूब होता है यहाँ पे इसका एक ट्यूनर लगा होता है मतलब एक तरीके का डिवाइस होता है जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा यहाँ से बहुत है ग्यारह हजार वोल्टेज के हिसाब से अप्रॉक्स में यहाँ पे ये फिल्म को बनाता है मतलब यहाँ से जो भी इनपुट आता है सिग्नल वो पिक्चर को बनाने में यहाँ पे ग्यारह मतलब कि अगर आप 240 सौ चालीस वोल्ट भी दे रहे हो या बारह वोल्ट के टीवी कनेक्शन ब्लैक एंड व्हाइट पे चला रहे हो तो भी यहाँ पे अप्रॉक्स में ग्यारह हजार या तैंतीस हजार वोल्टेज का यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हुआ जी एक बार देखिएगा पिक्चर ट्यूब में कितना हैवी वोल्टेज बनाया जा सकता है एच लगा होता है हाई इंटेंशन का यहाँ पे आ, मतलब कि हैवी टेक्नोलॉजी मतलब हाई इंटेंशन का वहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जो 11000 से शायद 33000 वोल्टेज तक सप्लाई देती है तो काफी हैवी हो जाता है इसीलिए जो पुरानी टीवी थी अगल बगल में आप ऐसे हाथ लेकर जाओ तो बाल खड़े हो जाते हैं ऐसा आपने देखा होगा जिनके घरों में टीवी होगा देखिएगा तो कभी भी पहली बात यहाँ पे प्रिकॉशन दे दूँ कि आप जिनके भी घरों में टीवी है वो इसको खोल मत देखने लगना क्योंकि यहाँ पे अगर ग्यारह वोल्टेज भी बन रहा है ना तो वो आपकी जान ले सकता है तो बहुत ही खतरनाक है उसमें अगर आपको नॉलेज नहीं है तो टीवी को खोल के देखने की जरूरत नहीं है बस मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ समझा रहा हूँ तो कोई भी उसको खोल के उसको समझने की कोशिश मत करिएगा है ना क्योंकि वहाँ पे जो एच लगा होता है ब्लैक कलर का उसके नीचे वो बहुत हैवी यहाँ पे सिग्नल फ्लो करता है बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है तो तब यहाँ पे पिक्चर बनती है तो वो जो वेब होती है ना मोबाइल पर जब कॉल आती है तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर के वेब को फ्लक्चुएट करती है तब वो सिग्नल इधर उधर होने लगता है पिक्चर पे लहर बनने लगती है सो so, और कभी भी यहाँ पे नहीं होता है तो गाइज क्लियर हो गया होगा लोगों को सो so, पे कुछ कनेक्टर्स की अगर बात करें तो एफ कनेक्टर होता है बी कनेक्टर होता है आर कनेक्टर होता है मिनी को एक्सीएल कनेक्टर होता है पॉपुलर को कनेक्टर होता है कुछ पॉपुलर कनेक्टर की अगर बात करें तो बी डबल फीमेल इनलाइन कंप्यूटर सॉरी कंप्यूलर होता है और इसका जो होता है टू कनेक्ट टू बी एन सी फॉर एडेड लेंथ लेंथ को एड करने के लिए होता है आर जी फिफ्टी एट कनेक्टर्स के टाइप होते हैं बी एन सी टी कनेक्टर इसमें यूज होता है और इट इज अ सिंपल ट्विस्ट एंड लॉक ऑन ऑन टू केबल कनेक्टर्स मतलब कि ऐसे टी सेप में एक कनेक्टर होता है समझना आप ऐसे टी शेप में और इधर से एक कनेक्टर uh, होता है आके यहाँ पे लग जाता है ऐसे और यहाँ पे केबल लगी होती है ऐसे ही इधर पे एक कनेक्टर आता है यहाँ पे लग जाता है और ऐसे ही इधर पे क्या होती है केबल लगी होती है यहाँ पे तो ये एक टी से मतलब लॉक पे होता है और यहाँ पे ये यह लॉक हो जाती है यहाँ पे ये यह लॉक हो जाती है और ये दोनों तरफ से लॉक होने के बाद कही इसीलिए कह रहा है कि लॉक टाइप का कनेक्टर है आर जी फिफ्टी एट और इन सारी चीज़ों का केबल लेंथ को बढ़ाने के लिए बी एन सी मेल कम पैरिजन सेल कनेक्टर्स होता है जो सेवन फिफ्टी ओम का होता है और इसके कुछ डिटेल के बारे में यहाँ पे है आप एक बार स्क्रीन ले लो मैं सारी चीज़ों को दे दे रहा हूँ पढ़ूंगा मैं वही सारी चीज़ें तो ये आ, समझने वाली चीज़ आ, नहीं होगी अभी क्योंकि इसमें उसके कुछ कनेक्टर के कैपेसिटी कुछ उसके आ, अंदर के एल्गोरिदम की बात यहाँ पे कर रहा है उसके फॉर्मूले की बात कर रहा है उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी की बात कर रहा है कितने ओम का रजिस्टर या कितने ओम का केबल उस पर लगा होता है कितना का हैवी कैपेसिटी का, का होता है सारी चीज़ें तो आप इसको एक बार देखिएगा पढ़िएगा ध्यान से और इतना डेप्थ में कोई जाकर आपसे नेटवर्किंग से सवाल नहीं करता बट मे भी कनेक्टर के टाइप को पूछ सकता है तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट दे दिया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा कनेक्टर यही होता है, है ना सो गाइज आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताएगा एंड प्लीज गाइज इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें बहुत सारा पहले अपडेट मैं वहीं पर देता हूँ और आप लोगों से वहाँ पर मैं काफी कम्युनिकेशन कर पाता हूँ जुड़ा रहता हूँ सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू